खबर गाडरवारा से। मध्य प्रदेश के 210 ऑक्सीजन प्लांट में से एकमात्र गाडरवारा शासकीय अस्पताल स्थित ऑक्सीजन प्लांट उपयोग में लिया जा रहा। कोरोना महामारी को देखते हुए शासन द्वारा पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए थे, जिनकी संख्या 210 बताई गई है। 210 प्लांटों से गाडरवारा शासकीय अस्पताल स्थित प्लांट का प्रतिदिन उपयोग किया जा रहा, जिसके निरीक्षण हेतु डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज भोपाल के निर्देशन में सलाहकार एसोसिएशन मेडिसिन और ऑक्सीजन डिपार्ट से 10 जून को 2 लोग की टीम ने गाडरवारा ऑक्सीजन प्लांट का दौरा किया। ऑक्सीजन डिपार्ट मैडम ऐश्वर्य और इंजीनियरिंग BMW सुनील मालवी ने अस्पताल प्रबंधन की तारीफ की और बताया पूरे प्रदेश में एकमात्र गाडरवारा का ऑक्सीजन प्लांट है जिसका उपयोग किया जा रहा। खबर भारतवर्ष को पूरी जानकारी गाडरवारा शासकीय चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर राकेश बोहरे द्वारा दी गई। हमारे यहाँ पर जब ऑक्सीजन प्लांट की इंस्टॉलेशन की बात हुई थी, तो उसी समय हम लोग एक लक्ष्य लेके चले थे कि अगर कोरोना नहीं रहा तो उस समय इस ऑक्सीजन प्लांट का क्या उपयोग होगा। इसलिए हम लोगों ने विभिन्न अधिकारियों से उसी समय संपर्क किया था, ऑक्सीजन लगाने वाली प्लांट कंपनी से बात किया और NTPC से सहयोग मांगा था। उसमें NTPC से सहयोग मांगने में ये बात रही कि उनको अपना जो निर्धारित बजट है उसको थोड़ा बड़ा करना पड़ा और थोड़ा सा समय इस चक्कर में ज़्यादा लगा, मगर आज उसका उपयोग हो पा रहा है और ये हम सारे क्षेत्र के लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मध्य प्रदेश हम एक अकेले हैं जो ऑक्सीजन की बॉटलिंग कर पा रहे हैं। इससे अब जब कोरोना नहीं है तब भी ऑक्सीजन प्लांट का समुचित उपयोग हो पा रहा है। सर, अपने ऑक्सीजन प्लांट की कैपेसिटी क्या है? हमारे ऑक्सीजन प्लांट की अगर ज़रूरत पड़ती तो एक साथ 50 बेड को हम ऑक्सीजन सप्लाई फुल उस पर दे सकते हैं। पूरी ऑक्सीजन जितनी ज़रूरत है उसकी निर्बाध सप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा 10 ऑक्सीजन के सिलेंडर एक साथ हम एक घंटे के अंदर भर सकते हैं। दूसरी चीज़, हम अभी जब से हमारा प्लांट हैंडओवर हुआ है फरवरी से हमने ऑक्सीजन बाहर से खरीदना बंद कर दिया है। हमारे प्लांट की ऑक्सीजन को हम भर के अपने अस्पताल में उपयोग कर रहे हैं और आगे भी इसकी एक्सटेंशन की योजना है। इस संबंध में हमारे पास भोपाल की एक टीम आई थी, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने भेजी थी, जिसमें ऑक्सीजन के इंजीनियर और उसके विशेषज्ञ आए थे। उन्होंने इस चीज़ को जाना और उनका ये अनुमान है कि भविष्य में हम इसको और। खबर भारतवर्ष के लिए गाडरवारा नरसिंहपुर से कैलाश रजक की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।